हम सनातनियों की यही विडंबना है कि हम अपने हमारी तो हर कथाएं त्योहारों में छिपी हुई है। हम हिंदुओं को अपने सनातन धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए आज बहुत सारे हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें अपने धर्म का ज्ञान होता तो वो शायद ये जान पाते कि सनातन धर्म से श्रेष्ठ धरती पर कोई धर्म नहीं है, बाकी सब पंथ हैं, धर्म तो सनातन ही है। लेकिन सनातन धर्म के बारे में ना माँ बाप बच्चों को बताते हैं, ना कोई जानने की जिज्ञासा रखता, इसलिए ह्रास हो रहा है। सही है, प्रहलाद जी की बुआ का नाम था होलिका और होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई। होलिका को वरदान था कि उसे आग जलाएगी नहीं, लेकिन जब प्रहलाद को जलाने बैठी तो होलिका बुआ जल गई। और प्रहलाद जी, ताकत मिली है इसका मतलब ये नहीं तुम किसी को जलाओ, अरे जलते हुए को बचाने के लिए शक्ति मिली थी, तुमने दुरुपयोग किया, तो दुरुपयोग करेंगे ताकत का तो वही ताकत आपको जलाएगी जिस ताकत का आप दुरुपयोग करते हैं। इसलिए अपने पावर का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। श्री राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछ रहे हैं फिर क्या हुआ, तो प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए संडामर्क के यहाँ प्रहलाद जी को भेज दिया। जब वो पढ़ रहे थे तो उनके मित्रों ने कहा कि जिस चक्की काटा हम खाते हैं वही तुम खाते हो, पर तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति क्यों है? तब प्रहलाद जी ने कहा मेरे गुरु जी नारद जी हैं, जब मैं अपने माँ के पेट में था तब मेरे गुरु जी ने मेरी माँ को खूब कथाएँ सुनाई थी, खूब ज्ञान दिया था, माँ तो भूल गई पर मुझे याद है। बच्चों को संस्कार बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन में दिलाना स्टार्ट करो। बच्चों को सही रास्ता, जब बच्चा 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का, उसे सही रास्ते पर अब लगाओ। 20 साल का हो जाने के बाद वो सुनेगा नहीं, फिर तो तुम्हें ही आंख दिखाएगा, अरे पापा पागल हो गए हैं, मम्मी पागल हो गई, दिन भर कथा सुनती रहती है, दिमाग खराब हो गया, वो तुम्हें पागल करार दे देगा। क्यों? क्योंकि समय समय पर होता है, समय समय की बात, हर चीज का एक समय होता। जब तक बच्चे तुम्हारे अंडर में हैं, सुन रहे हैं, तो अच्छी चीज दो, संस्कार दो। उस समय पे नहीं दिया, अब चले यहां से, अब नहीं सुनेंगे, फिर रोना सारी जिंदगी, बेटा सुनता नहीं है, कहीं नहीं मानता, गलती किसकी है? कुंती के भी बेटे हैं और गांधारी के भी बेटे हैं, आप किसके जैसा बेटा चाहती हो? गांधारी जैसा बेटा आपका हो या कुंती जैसा बेटा आपका हो, बता दो फटाफट। क्यों गांधारी जैसा क्यों नहीं? गांधारी के बेटे का नाम बताओ, आप बताओ गांधारी के बेटे का नाम बताओ बेटा। दुर्योधन। और कुंती के बेटे का नाम बताओ, कौन, क्या नाम था आप बताओ? हाँ अर्जुन, सिंपल है। आप किसके जैसा बेटा चाहते हैं? कुंती जैसा बेटा चाहती हो तो कुंती जैसी माँ बननी पड़ेगी, लेकिन आप तो गांधारी जैसी माँ हो, आंखों में पट्टी बांधे बैठी हो, बेटा गलत कर रहा है फिर भी पट्टी नहीं उतार रही हो। अरे बेटा गलत करता है तो 2 थप्पड़ मार के सही रास्ते पर लाओ, वरना सारी जिंदगी रुलाएगा दुर्योधन बन करके। नहीं मारा गांधारी ने, नहीं डांटा धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन बन गया। गलत काम करने पर डांटती थी माता कुंती, अर्जुन बन गया। भय बिनु होई न प्रीत जलधि, बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। गलत रास्ते पर बच्चे जाएं डांट कर,
कंट्रोलिंग माँ बाप के अंदर होना चाहिए। माँ बाप सारथी हैं, जहां चाहे रथ ले जाएं। बच्चे हैं अर्जुन और माता पिता हैं सारथी। अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान। माँ बाप भगवान होते हैं। तुम रथ की लगाम तुम्हारे पास है, बच्चे तो बैठे हैं पीछे। जहां जहां माँ बाप लेते जाएंगे, बच्चों को ले जाते जाएंगे, बच्चे वहां वहां जाएंगे। माँ बाप सत्संग में जाएं तो बच्चा सत्संग में जाएगा। माँ बाप यदि शराब की दुकान में जाएंगे तो बच्चे भी, बाप जुआ खेलेगा तो बच्चे भी वही देखेंगे, बाप सत्संग करेगा तो बच्चे भी। सिंपल है, माँ बाप के पूरे पूरे संस्कार बच्चों में जाते हैं, अच्छा या बुरा। अब आप देख लो, प्रहलाद जी बचपन में ही माँ के संस्कारों से, गुरुजनों के संस्कारों से पले बढ़े हैं और आज मित्रों से कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कह रहे हैं ये बात कि दुर्लभो मानुषो देहो, यह मानव का शरीर दुर्लभ है भैया, चक्कर में ना पड़ो, भगवत चिंतन करो।